फिल्म की शुरुआत में हम स्क्रैट नामी स्क्वायरल को देखते हैं, जो बर्फ में दबी एक एकॉर्न को पाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इससे वहां के बर्फ से पानी आने लगता है, जिसके प्रेशर को स्क्रैट संभाल नहीं पाता और वहां से सीधे नीचे आ गिरता है, जहां बहुत से जंगली जानवर वहां के बर्फ में बने स्लाइड में मस्ती कर रहे होते हैं और इस वाटर पार्क में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहीं हम सिड को देखते हैं, जो वहां के बेबी एनिमल्स को स्लाइड में खेलने के रूल्स बता रहा होता है, पर कोई भी बच्चे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। तभी वहां सिड के दोस्त मैनी और डिएगो आते हैं, जो उसकी हालत देखकर उससे कहते हैं कि तुम इन बच्चों को कंट्रोल करने के लायक नहीं हो। ये बात सिड को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मानता था कि उसी की वजह से उनका झुंड बना है, और वो उन दोनों से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सिड के जाने के बाद वो बच्चे मैनी और डिएगो को परेशान करने का सोचते हैं। तब मैनी उन्हें कहानी सुनाता है, लेकिन बच्चे उस कहानी की हैप्पी एंडिंग से खुश नहीं थे। इस पर मैनी उन्हें समझाता है कि सभी कहानियों का अंत खुशहाल ही होता है। तभी एक बच्चा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ये बात सुनकर मैनी उदास हो जाता है, इसलिए डिएगो बच्चों को डरा कर वहाँ से भगा देता है। दूसरी ओर टोनी अपना प्रोडक्ट स्ट्रॉ सेल करने के लिए वहाँ के जानवरों को झूठी कहानी सुना रहा होता है कि अगले 5 दिन के अंदर यहाँ एक भयानक बाढ़ आने वाली है, जिसमें सारे जानवर मारे जा सकते हैं। तभी डिएगो और मैनी वहाँ आ जाते हैं, जो टोनी से कहते हैं कि तुम इस तरह से सभी को डराना बंद करो, और सभी को टोनी की बात ना मानने को कहते हैं। तभी एक जानवर मैनी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि पृथ्वी से मैमथ्स गायब हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी स्पीसीज के बचे हुए आखिरी मैमथ हो। इस पर मैनी सोच में पड़ जाता है। तभी उन्हें सिड की आवाज सुनाई पड़ती है, जो मैनी और डिएगो से नाराज होकर ऊंचाई से जंप लगाने वाला होता है, पर सही समय पर मैनी और डिएगो उसे रोक देते हैं। उसी दौरान वहाँ की बर्फ टूटने लगती है और मैनी देखता है कि वाकई में ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलने लगी थी, जिससे उनका और ज्यादा दिन वैली में ठहरना खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैनी सभी को बताता है कि टोनी सही कह रहा था, बहुत जल्द यहाँ बाढ़ आने वाली है, इसलिए हमें अपने इस वैली को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इस पर वहाँ के जानवर उससे कहते हैं कि वो तुम ही थे जिसने टोनी की बात को मानने से मना किया था, तो अब हम तुम्हारी बात क्यों माने। तभी वहाँ एक वल्चर आता है, जो उन्हें बताता है कि तुम सभी एक गड्ढे में हो, जो कि बांध टूटने से जल्दी भरने वाला है और तुम सभी मारे जाओगे, पर घाटी के अंत में तुम्हें एक बोट मिल सकता है, और अगर तुम सभी समय पर वहाँ पहुँच गए तो बच सकते हो। सभी जानवर वल्चर की बात से सहमत होते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ घाटी को छोड़कर बोट की ओर जाने लगते हैं। पर इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी के अंदर फ्रीज हो चुके खुखार क्रीचर भी अनफ्रीज होने लगते हैं। वहां से जाते समय एक एंटीटर वापस से मैनी को याद दिलाता है कि अब वही सिर्फ आखिरी मेहमत बचा है, पर मैनी को भरोसा था कि उसके जैसे और भी मेहमत जरूर होंगे। सभी के वहाँ से जाते ही वो खुखार क्रीचर्स पूरी तरह से अनफ्रीज हो जाते हैं और एक एनिमल को अपना शिकार बना लेते हैं। इसके बाद वो पानी में छुपकर बाकी के जानवरों के पीछे जाने लगते हैं, जिस बात से सभी अनजान होते हैं। वहीं आगे बढ़ते समय रास्ते में मैनी को एक मैमथ की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो डिएगो और सिड के साथ भागते हुए उसे देखने जाते हैं, जहां उसे एली नाम की एक फीमेल मैमथ मिलती है, जिसके साथ दो पॉसम्स भी होते हैं, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, और उनके साथ रहते हुए वो खुद को भी पॉसम मानती थी। मैनी उसे बताता है कि तुम भी मेरी तरह ही एक मैमथ हो, पर वो उसकी बात नहीं मानती। तब सिड उसे भी उसके साथ चलने को कहता है और वो उसकी बात मानकर उसके साथ सफर के लिए तैयार हो जाती है। पर जिस दौरान वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनका सामना पानी में रहने वाले उन्हीं खुखार क्रीचर से होता है। डर के कारण एली अपने दोनों पॉसम के साथ बच निकलती है, पर मैनी उनका सामना करता है और अपनी पूरी ताकत से उन्हें डिफीट कर देता है। इससे मैनी को लगता है कि एली उससे इम्प्रेस हो जाएगी, पर वो मैनी को कहती है कि शायद इसी कारण से मैमथ विलुप्त हो रहे हैं, तुम्हें उन क्रीचर्स का सामना करने के बजाय भागना चाहिए था। पर वहीं सिड को पता चलता है कि डिएगो तैर नहीं सकता और उसे पानी से बहुत डर लगता है,
वहीं सेडोर डियागो को लगता था कि एली मैनी के लिए सही मेट बन सकती है और वो उससे कहते हैं कि इसी पर तुम्हारी स्पीसीज का फ्यूचर टिका हुआ है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उनकी बात मानकर मैनी एली से बात करने जाता है, जहां वो उससे कहता है कि हम दोनों अपनी स्पीसीज के आखिरी मेहमत हैं, इसलिए हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हमारी स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। पर इससे एली उसकी बात से भड़क जाती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी उस जगह से गुजरते समय एली को अपना बचपन याद आता है, जब वो बिल्कुल अकेली थी और वहीं उसकी मुलाकात उन पोसम्स फैमिली से हुई थी, जिसके बाद से वो उन्हीं के साथ ही रहने लगी थी। वहीं रास्ते में साथ बढ़ते हुए सिड डियागो को उसकी पानी के डर पर काबू पाने के लिए मोटिवेट करता है और खुद पर भरोसा करते हुए पानी में जंप लगाने को कहता है, पर डियागो उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो सभी अंधेरे में चलते हुए एक अलग जगह पहुँचते हैं, जहाँ के चट्टानों की अरेंजमेंट के कारण वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को बचाए रखने के लिए मैनी और एली अपने ट्रंक को लॉक कर लेते हैं, जिससे उन्हें खुद को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इस दौरान सिड और पॉसम तो सेफ साइड पहुंच जाते हैं, पर डियागो वहां से नीचे गिरने वाला होता है। तब सही समय पर एली और मैनी उसे बचा लेते हैं। इसके बाद एली मैनी से अपनी नाराजगी को खत्म कर लेती है और वो साथ में एक जगह आग जलाकर ठहरने का फैसला करते हैं। पर जिस दौरान सिड एक लकड़ी के टुकड़े पर सो रहा होता है, वो टुकड़ा अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि असल में उसे बहुत सारे स्लोथ्स अपनी कॉलोनी की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि वो सिड को अपना फायर गॉड मान रहे थे। वो सिड को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, इससे सिड को भी बहुत अच्छा लगता है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि वो सारे स्लोथ्स उसे बांधकर वुल्केनो में डालने वाले थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये रिचुअल करने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सिड को वुल्केनो में धक्का दे देते हैं। पर लावा में गिरने से पहले ही वो खुद को बचा लेता है और वहां से बच निकलता है, जहां वो सुबह मैनी और बाकी सभी को कल रात हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। पर सभी को लगता है कि ये जरूर सिड का सपना होगा और वो अपने आगे की सफर की ओर निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें बहुत से वल्चर्स मिलते हैं जो उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि इस तरह से उन्हें खाना मिल सके। पर वो आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे, जहां उन्हें पेड़ से बनी वही बोट नजर आती है जिसके बारे में उस वल्चर ने उन्हें बताया था। लेकिन उनके उस तक जाने से पहले ही वहां स्टीम और पानी के फव्वारे निकलने लगते हैं, जो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैनी उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। पर एली को इसमें बहुत खतरा लगता है और वो मैनी की बात से इनकार कर देती है। इससे मैनी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस होने लगती है, और आखिर में एली पॉसम्स के साथ दूसरे रास्ते की तलाश में उन्हें छोड़कर वहां से जाने लगती है, और डियागो और सिड मैनी के साथ जाते हैं। पर तभी मैनी के सामने ही एक ब्लास्ट हो जाता है, पर तभी डियागो और सिड उसे उठाने आते हैं और वो साथ मिलकर तेज हो चुकी विस्फोट से किसी तरह बचते हुए उसे पार कर लेते हैं। वहीं बाकी एनिमल्स भी झुंड में बोट की तरह बढ़ रहे होते हैं। तब मैनी को एली की फिक्र होने लगती है और वो उस भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर फाइनली पानी के प्रेशर से वो डैम टूट जाता है, जिससे भारी मात्रा में पानी वैली की ओर आने लगता है। इधर एली और पॉसम जिस दौरान दूसरे रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो चट्टान गिरने से उसके बीच में फंस जाते हैं, और उन पॉसम्स को बचाने के लिए एली उन्हें एक छोटे से होल से बाहर निकाल देती है, इसलिए पॉसम्स भागते हुए मैनी के पास जाते हैं और एली के चट्टान के बीच में फंसे होने के बारे में बताते हैं, इसलिए मैनी उसकी मदद के लिए जाता है। पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे वहां की चट्टान टूट जाती है और मैनी पानी में जा गिरता है।
पर फिर भी वो किसी तरह एली तक पहुंच जाता है और एक पेड़ की मदद से उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। वहीं पोसम्स को बचाने के लिए सिड पानी में कूद जाता है, पर उल्टा वो खुद ही पानी में डूबने लगता है। ये देखकर डिएगो उसे बचाने के लिए पानी में कूदने की हिम्मत जुटाता है और अपने डर का सामना करते हुए पानी में जंप लगा देता है। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वो तैरना सीख जाता है और तब वो सिड और पोसम्स को भी बचाकर किनारे पर ले आते हैं। वहीं मैनी के बहुत कोशिश के बाद भी वो एली को वहाँ से निकाल नहीं पाता। तभी उतने में वहाँ वही खुखार क्रीचर आकर मैनी पर हमला कर देते हैं और उसे पानी के अंदर ही मारने की कोशिश करते हैं। पर मैनी भी समझदारी दिखाते हुए उन क्रीचर्स की ताकत का फायदा उठाकर उन चट्टान को अपनी जगह से हटवा देता है, जिसके बाद वो दोनों क्रीचर्स उसी चट्टान के नीचे दबकर मारे जाते हैं। और अब फाइनली एली भी वहाँ से आजाद हो चुकी थी और वो मैनी के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। इससे मैनी के साथी भी बहुत खुश होते हैं, पर अभी भी उनका बोट तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज था। वहीं इतने सारे एनिमल्स के वेट से बोट भी चट्टान के टूटने से पानी में आ जाती है। वहीं हमें स्क्रैट को दिखाया जाता है जो अपने एकॉन के साथ ग्लेशियर वॉल के ऊपर चढ़ रहा होता है, पर अनजाने में उसके एकॉन को रखते ही उस ग्लेशियर वॉल में क्रैक आने लगती है और वो ग्लेशियर दो हिस्सों में बट जाती है, जिससे वैली में भरे पानी को जाने का रास्ता मिल जाता है। और इस तरह से वैली में पानी का लेवल कम होने लगता है और फाइनली वैली पहले जैसा बन जाता है, जिससे सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ वही स्लोथ ट्राइब्स आते हैं जो सिड को उनके साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फायर गॉड यानी कि सिड के कारण ही ये बाढ़ थमी है। पर डिएगो उन्हें इसके लिए मना कर देता है और खुद भी एडमिट करता है कि सिड उनके झुंड का सबसे खास मेंबर है, जिसके बिना उनकी टीम अधूरी है। इससे सिड को बहुत अच्छा लगता है। उतने में मैनी और बाकी सभी जानवर मेमत की एक बहुत बड़े झुंड को वहाँ से गुजरते देखते हैं। इससे मैनी के साथ बाकी सभी को भी यकीन हो जाता है कि मैनी के जैसे और भी बहुत से मेमत्स हैं। एली मैनी को उनके झुंड को ज्वाइन करने को कहती है, पर मैनी अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए एली भी अपने फैसले को बदल लेती है और फाइनली मैनी एली के सामने अपने लव को कन्फेस कर देता है, जिससे एली को भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से वो सभी एक साथ ही रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।